भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया है और उसका जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर है, पदाधिकारियों पर है। काशी में खास तौर से महिला मोर्चा, उसने एक आयोजन किया है सदस्यता अभियान के लिए और ये प्रसिद्ध आप कह सकते हैं कॉलेज है, महिला कॉलेज है आर्य महिला, उसमें इसका आयोजन किया गया है। किस तरह का आप लोगों ने आयोजन किया और क्या करने जा रहे हो? ये महिला मोर्चा की तरफ से सदस्यता अभियान हम लोग ने किया है और ये इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नई पीढ़ी जो है उसको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और हमारी जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का और आगे बढ़ाने में मदद करने का काम कर रहे हैं। आपने क्या प्लान किया है? इतनी बड़ी संस्था है आप लोगों की, महिला मोर्चा लगी हुई है, आपका क्या प्रयास है? हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ यहाँ पर जुड़ें और इस सदस्यता अभियान को हम आगे बढ़ा सके, नई पीढ़ी को जोड़े, यही हमारा उद्देश्य है। आप लोग युवा हो, स्टूडेंट हो, आप लोग को जुड़ के कैसा लग रहा है? यहाँ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सदस्यता अभियान में जुड़े हैं और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जागरूक हों जिससे और ये आगे बढ़े, कार्यक्रम आगे बढ़े। आपको कैसा लगा इस पे? बहुत अच्छा लगा है। क्या उम्मीदें हैं आपको इस में? बहुत से प्रॉफिट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग को कहीं ना कहीं फ़ायदा ही है यहाँ पर जुड़ने का। ये युवतियाँ हैं जो अभी स्टूडेंट हैं लेकिन चूँकि एक विचार रखती हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता अभियान है उसमें भागीदारी ले रही हैं, जुड़ रही हैं उनसे, और पूरा प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पार्टी से जोड़ सकें इस सदस्यता अभियान के माध्यम से। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी।